हेलो दोस्तों, मैं हूँ आशीष। स्वागत है आपका फार्मानोलॉजी पी में। दोस्तों बात करेंगे यूपी एनएचएम जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है दोस्तों, 28 तारीख से स्टार्ट है। ठीक है, तो 28 तारीख से स्टार्ट है दोस्तों। तो फार्मास्यूटिकल का दोस्तों ये मैराथन क्लास है। ठीक, ये वीडियो दोस्तों लास्ट देखिएगा, इसमें लगभग 100 से ऊपर क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको हेल्प दोस्तों ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एक के बारे में। ट्रांसफ्यूजन बॉटल आर मेड अप, ट्रांसफ्यूजन बॉटल दोस्तों कैसे बना होता है? इसमें दोस्तों आपका टेस्ट भी हो जाएगा, वो बना होता है बोरोसिलिकेट ग्लास से। ठीक है, बोरोसिलिकेट ग्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच मिल यूज द पाउडरिंग हार्ड क्रूड ड्रग, कौन सा मिल दोस्तों हार्ड पाउडरिंग के लिए यूज होता है? वो होता है एड्ज मिल। ठीक, एड रनल मिल। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा दोस्तों। फिर बात करते हैं कोलिडवांस यूजली कंटेन, कोलिडवांस दोस्तों यूजली कंटेन करता है मिथाइल सेलुलोज को, कंटेन करता है कोलिडवांस यूजली कंटेन मिथाइल सेलुलोज। ठीक है, सी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जाकि चारों ऑप्शन दिख जाए आपको। द सेल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में भी मेड अप इलास्टिक प्लास्टिक अर्थ ऑफ प्लास्टिक लाइक बाई द एडिशन ऑफ। ठीक है, प्लास्टिक दोस्तों जो होता है सॉर्बिटाल से ये दोस्तों बने होते हैं। ठीक, चलते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। द डीप ट्यूब इन द एरोसॉल कंटेनर इज मेड अप फ्रॉम द वन फॉलोइंग चूज द करेंट वन। ठीक है, इसमें दोस्तों सी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। डिस्पोजेबल सिरिंज आर मेड अप, डिस्पोजल सिरिंज दोस्तों कैसे बना होता है? वो ट्रांसपेरेंट पॉलीस्टीरीन से बना होता है। ठीक, बी वाला दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। ऑस्मेटिक पैलेट्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज, ठीक है, ऑस्मेटिक पैलेट दोस्तों कहाँ पर यूज होता है? वो होता है कंट्रोल रिलीज में, कंट्रोल रिलीज में दोस्तों बी वाला इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रोलर कंपैक्टर इज यूज इन लार्ज स्केल फॉर द ग्रेनुलेशन, जो रोलर कंपैक्टर होता है दोस्तों कहाँ पे यूज होता है ज़्यादा ज़्यादा? वो होता है ड्राई में, ड्राई करने के लिए यूज होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिक्विड लाइट लिक्विड पैराफिन इंडियन फार्माकोपी एंड लिक्विड पैराफिन ऑफ इंडियन फार्माकोपी, मतलब लाइट जो लिक्विड हो और जो लिक्विड हो, ठीक है, डिफ्रेंशिएटेड बाई, उसको कैसे डिफ्रेंशिएट कहते हैं? उसको करते हैं काइनेटिक विस्कोसिटी द्वारा डिफरेंस किया जाता है दोनों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रिपेयर्ड कंटेनिंग बिटवीन 7 to 8.5% ऑफ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हो दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफिशियंसी ऑफ फिल्टर यूज फॉर स्टरलाइजेशन डिटरमाइन बाई, जो फिल्टर दोस्तों यूज होता है वो उसको क्या डिटरमाइन किया जाए? उसको क्या डिटरमाइन करते हैं? उसको करते हैं पोरोसिटी, उसमें कितना पोर साइज है दोस्तों वो देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फार्म इज सुटेबल फॉर मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग, ठीक है, इसमें से कौन सा मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग है दोस्तों? वो है कैप्सूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। रावल्फिया एंड ग्लाइसिराइज़ कैन बी रिड्यूस बाई, रॉल्पिया एंड ग्लासी राजा दोस्तों कहाँ से रिड्यूस किया जाता है, कहाँ से उसको काटा जाता है? वो होता है कटर मिल द्वारा कट किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलाइड्स पार्किल टाइप ऑफ रियोलॉजी, इसमें दोस्तों सी वाला सही हो, नॉन न्यूनो न्यूटोनियन फ्लो। ठीक है, सॉलिड फैक्ट इंडेक्स कैन बी डिटरमाइंड या करेक्टराइज यूजिंग द फॉलोइंग, इसमें दोस्तों बी वाला सही हो जाएगा, डायलेटोमीटर। ठीक, समय बहुत कम है दोस्तों, आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा। केल्विन इक्वेशन इज रिलेटेड टू दी, केल्विन इलेक्शन दोस्तों किससे रिलेट करता है? वो होता है पोर साइज, पोर साइज पर रिलेट करता है, जो इक्वेशन हो जो होता है वो पोर साइज पर एनालिसिस करता है। ठीक है, बी वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट। द रूस्टर प्रोसेस कैन बी यूज, द रूस्टर प्रोसेस दोस्तों कहाँ पर यूज होता है? वो कोटिंग ऑफ टैबलेट में यूज होता है। ठीक है, इसमें ए वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए कंटिन्यू देखिएगा, देख लीजिए कि जरूर दोस्तों, क्योंकि पेपर ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक, व्हाट व्हाट इज एन इन्हेलर, इन्हेलर में दोस्तों क्या होता है? जो ड्रग डिलीवरी बाई जो डिवाइस होता है डायरेक्टली क्या होता है? लंग्स में जाता है। ठीक है, इन्हेलर जो लोग लेते हैं वो डायरेक्ट, इसमें सी वाला सही हो जाएगा। ड्रग डिलीवरी बाई डिवाइस डायरेक्टली इंटू दी लंग्स, ठीक है, फेफड़े में जाके उसका जो मटेरियल रहता है। व्हाट इज एन इमल्सन, इमल्सन क्या होता है दोस्तों? मिक्सचर ऑफ टू इमिजिबल लिक्विड होता है, आप लोग जानते हैं, तो ए वाला इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन चिल्ड्रेन इन फर्स्ट 28 डेज, मतलब 28 दिन का बर्थ कम अंडर द क्लॉज
कौन से क्लास में दोस्तों एक महीने से नीचे रहते हैं तो नियोनेटल में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन कंटेन, नॉर्मल सेलाइन जो सोल्यूशन होता है दोस्तों 0.9% ऑफ सोडियम क्लोराइड उसमें पाया जाता है, NS इसको बोलते हैं। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक ग्रेन ऑफ इक्विवेलेंट, एक ग्रेन ऑफ इक्विवेलेंट एक कितना कंटेन करता है दोस्तों, 64.5 को ये कंटेन करता है इक्विवेलेंट। एक ग्रेन ऑफ इक्विवेलेंट याद रखिएगा 64.5। ठीक, द सिंबल ऑफ ओजेड इज फॉर, ओजेड को दोस्तों क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन्स बोलते हैं, डी वाला इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डबल रैपिंग रिक्वायर फॉर द हाइग्रोस्कोपिक पाउडर के लिए दोस्तों यूज किया जाता है डबल रैपिंग, इसमें दोस्तों डी वाला सही हो जाएगा। बहुत ही जल्दी जल्दी चलेंगे दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए क्योंकि क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, टाइप ऑफ इमल्सन प्रोड्यूस विथ बीज वैक्स, ठीक है, बीज वैक्स के साथ कौन सा टाइप ऑफ इमल्सन प्रोड्यूस किया जाता है, वो होता है वाटर बाय ऑयल, ऑयल वाटर इन ऑयल। ठीक है, बी वाला इसमें सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं फिर। एग्जाम्पल फॉर हाइग्रोस्कोपिक सबस्टेंस, हाइग्रोस्कोपिक सबस्टेंस दोस्तों इसमें से कौन है, वो है दोस्तों सोडियम। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक सबस्टेंस में दोस्तों हम क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हाइड्रोस्कोपिक सबस्टेंस है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीस इन डाई मीन्स मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग देखते हैं। ट्विस्ट टाइम ए डे, बी वाला इसमें सही हो जाएगा। यंग फार्मूला इज, यंग फार्मूला दोस्तों, फार्मूला दोस्तों आप याद कर लीजिएगा, फर्स्ट ईयर में है, पूछ भी सकता है। ठीक है, तो इसमें ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें दूसरे तरीके से दिया गया है लेकिन किताब में दूसरे तरीके से दिया गया है। ठीक है, उसको आप जाकर देख लीजिएगा। चलिए, कोलुट्रोरियम मीन्स दो होता है, वो होता है दोस्तों आई लोशन। ठीक है, इसमें ए वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। द पिंट ऑफ 1% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन रिक्वायर, ठीक है, इसमें दोस्तों हो जाएगा 87.5 ग्रेन्स। ठीक है, पिंट ऑफ 1% वेट बाई सोल्यूशन रिक्वायर 85 ग्रेन्स। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डिफ्यूजिबल सॉलिड इज, डिफ्यूजिबल सॉलिड दोस्तों इसमें से कौन है, वो है मैग्नीशियम कार्बोनेट, जो कि डिफ्यूजल सॉलिड के नाम से जाना जाता है। ठीक, बी वाला इसमें सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वन फ्लूड ऑन्स इक्वल टू, वन फ्लूड ऑन्स इक्वल, फ्लूड इक्वल, अगर फ्लूड पर वन ऑन्स फ्लूड पूछे दोस्तों इसमें 30 ml हो जाता है, ये वाला इसमें सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं दोस्तों। ए लिनिमेंट कंटेन, लिनिमेंट दोस्तों क्या कंटेन करता है, आप लोग जानते होंगे, ये सोप को कंटेन करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मॉइस्ट ग्रेनुलेशन आर ड्राई, जो मॉइस्ट ग्रेनुलर होते हैं कितने से डिग्री सेल्सियस पर उसको ड्राई किया जाता है, वो किया जाता है 60 डिग्री सेल्सियस पर उसको दोस्तों ड्राइड किया जाता है। ठीक, इसमें बी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सबस्टेंस विच इनडिफ्यूजिबल इन मिक्सचर, ठीक है, तब इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों, द सबस्टेंस इनडिफ्यूजिबल इन मिक्सचर, इसमें दोस्तों सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्प्रे ड्रायर मेथड यूज फॉर द प्रिपरेशन, स्प्रे ड्रायर दोस्तों कहाँ यूज होता है, वो होता है माइक्रो कैप्सूल में। ठीक है, माइक्रो कैप्सूल में स्प्रे ड्रायर यूज किया जाता है, सी वाला सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वाटर रेजिस्टेंस ऑफ ग्लास कंटेनर रेस्ट टेस्टेड बाई, वाटर रेजिस्टेंस ऑफ ग्लास कंटेनर आर टेस्टेड बाई मीजरिंग, ठीक है, इसमें दोस्तों क्या मेजर किया जाता है, इसमें मेजर किया जाता है अमाउंट ऑफ एल्कली रिलीज इन टू द वाटर। ठीक है, अगर एल्कलीन कुछ टाइप का सबस्टेंस निकलेगा दोस्तों तो वो जो वाटर होता है, वो जो ग्लास होता है वो ख़राब होने लगता है, तो इसमें सी वाला दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर अटैक टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई द एल्कलिसिटी, वाटर अटैक टेस्ट दोस्तों कहाँ पर यूज किया जाता है, वो जो उसको टाइप 1 ग्लास में किया जाता है। ठीक, ये वाला सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों। ए लिक्विड ओरल प्रिपरेशन टेकन एज ए सिंगल डोज कॉल्ड एज, ठीक है, एक ही डोज में जो लिया जाता है दोस्तों उसको बोलते हैं ड्रॉट, ये वाला इसमें सही हो जाएगा सिंगल डोज में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जिलेटिन, जिलेटिन का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट दोस्तों क्या है, वो है दोस्तों प्रोटीन। ठीक, आप लोग जानते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ फार्मुलेशन इज इफेक्टेड बाई, जो केमिकल स्टेबिलिटी है दोस्तों किसके द्वारा इफेक्ट किया जाता है, लाइट एंड ऑक्सीजन, पीएच एंड टेम्परेचर, सॉल्वेंट एंड इफेक्ट, इसमें दोस्तों ऑल ऑफ द एबव सही हो जाएगा, सभी के द्वारा जो केमिकल स्टेबिलिटी है वो इफेक्ट होते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट आर, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट आर दोस्तों इसमें से ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, एच एल बी वैल्यू ऑफ ट्रेगा के अंदर, एच एल बी वैल्यू ऑफ ट्रेगा के अंदर दोस्तों कितना होगा इसका, इसका दोगा होगा 7.4, ठीक है 7.4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इन सपोजिटरी एस एफ आई स्टैंड फॉर, एस एफ आई आई को क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं सॉलिड फैट इंडेक्स, ठीक है। इसमें ए वाला सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सपोजिटरी पेसरीज आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए एच एल बी वैल्यू ऑफ सोडियम लॉरिल सल्फेट, सोडियम लॉरिल सल्फेट का दोस्तों एच एल बी वैल्यू कितना है, वो है दोस्तों 40, ठीक है। 11 वाला सही, 11 का सी दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों आप इसमें मत जाइएगा, ठीक है, ये जो पीडीएफ बना है दोस्तों इस पे आप मत जाइएगा, जो 12 13 काउंट करके दिया गया है तो इसका नंबर दोस्तों हट नहीं पाएगा पीडीएफ बनाते समय, ठीक है। जल्दी, क्योंकि पेपर दोस्तों बहुत नज़दीक है इसीलिए वीडियो ज़्यादा बनाना ज़रूरी है, ठीक। वीडियो में कोई भी डेकोरेशन नहीं किया गया दोस्तों, ठीक है। आप लोग सिर्फ क्वेश्चन देखिए, आई ऑइंटमेंट शुड बी, ठीक है, आई ऑइंटमेंट दोस्तों क्या होते हैं, वो स्टराइल स्टराइल होते हैं, बी वाला दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, लोशन आर यूज, लोशन दोस्तों कहाँ यूज होता है, वो होता है इमोलियंट में, इमोलियंट तो यूज किया जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे, 1 ग्राम कंटेंस, 1 ग्राम, 1 ग्राम कंटेन क्या कंटेन करता है दोस्तों, 1 ग्राम, पंद्रह ग्रेन्स को कंटेन करता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, पल्विस मीन्स दोस्तों क्या होता है, पाउडर होता है, इसमें सी वाला सही हो जाएगा, पी पी से आप याद रख सकते हैं, पल्विस और पाउडर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इमल्सीफाइंग प्रिंसिपल ऑफ वूल फैट, ठीक है, इमल्सीफाइंग प्रिंसिपल ऑफ वूल फैट, इसमें दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा, इसमें वूल एल्कोहल दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है, सी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, टी स्पून फुल कंटेंट दोस्तों 4 ml या 5 ml, तो इसमें 4 ml है तो 4 ml टिक मारेंगे, 5 ml रहेगा तो 5 ml मारेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, द मेन टाइप ऑफ कोलाइडस मिल्स आर, इसमें से दोस्तों सभी कोलाइडल्स मिल हैमर मिल, टर्बाइन मिल, डायल्स मिल्स, इसमें ऑल ऑफ द एबव सही हो जाएगा, ठीक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फिर से मेथड यूज फॉर रिमूविंग वायरसेस बैक्टीरिया एंड पायरोजन फ्रॉम द वाटर 99% ऑफ इफिशियंसी, तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, कौन सा मेथड है जो 99% ऑफ बैक्टीरिया वायरसेस को किल्ड कर देता है, वो रिवर्सिबल ऑस्मोसिस उसको बोलते हैं, ठीक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सिक टेस्ट यूज टू डिटरमाइन द ससेप्टेबिलिटी ऑफ, इसमें दोस्तों डिफ्थीरिया सही हो जाएगा, ठीक है, बी वाला। चलिए फिर बात करेंगे, व्हाट द मीनिंग ऑफ डी एम एफ, ठीक है, डी एम एफ ड्रग मास्टर लाइफ फाइल जिसको दोस्तों बोलते हैं, ठीक, डी एम एफ को, ए वाला इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन द प्रिपरेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन द ड्राइड प्रोसेस यूज एज, ठीक है, इसमें दोस्तों फ्रीज ड्राइड हो जाएगा, ठीक, डी वाला दोस्तों सही हो जाएगा। विच टेस्ट इज डन फॉर यूएसपी टाइप 1 ग्लास कंटेनर फॉर इंजेक्शन, ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, विच टाइप ऑफ यूएसपी टाइप 1 ग्लास कंटेनर ऑफ इंजेक्शन, इसमें देखते वाटर वाटर अटैक टेस्ट फॉलोड बाई पाउडर इन ग्लास टेस्ट, पाउडर्ड ग्लास टेस्ट, ठीक है, वाटर अटैक टेस्ट, नन ऑफ द दीज, ठीक है, इसमें पाउडर्ड ग्लास टेस्ट दोस्तों ये बी वाला दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, स्प्रे ड्राइंग स्प्रे कंसीलिंग मेथड जनरली यूज फॉर माइक्रो कैप्सूल में दोस्तों यूज होता है, एक क्वेश्चन आप ऊपर देख चुके हैं इससे रिलेटेड। फिर चलते हैं आगे बढ़ते हैं, मोस्टली इम्प्यूल्स एंड वायल्स आर मेड अप, इम्प्यूल्स एंड वायल दोस्तों किससे बने होते हैं, टाइप 2 ग्लास से बने होते हैं, ठीक, ये वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ जेल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ जेल का दोस्तों नहीं है वो है एगिंग एजिंज, ठीक है, नहीं दोस्तों इसमें दोस्तों ये वाला सही हो जाएगा, कंडक्शन, ठीक है, कंडक्टेंस जो होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक।
मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड इज नॉट मिक्सिंग लिखा जाएगा, विक्सिंग लिखा गया है, विक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड कैरिड आउट द, ठीक है, सेमी सॉलिड जो आप लोग पढ़े होगा दोस्तों, प्लेनेटरी मिक्सर वगैरह जो होता है वो, तो इसमें ये वाला दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबस्टेंस दैट इंक्रीज द फ्लो ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेनुल्स, ठीक है, फ्लो ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेनुल्स दोस्तों कॉर्न स्टार्च जो होता है उसकी जो फ्लो की प्रॉपर्टी होती है बहुत ही तेज होती है। ठीक है, सोडा लाइम ग्लास दोस्तों कैसे बना होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सोडा लाइम ग्लास इज मेड अप या इसमें टाइप थ्री ग्लास पाया, टाइप थ्री टाइप का ग्लास दोस्तों पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेन स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर फ्रॉम द टैबलेट कम ऑफ एंड डिटरमाइंड एज, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर फ्रॉम द टैबलेट कम्स, जैसे टैबलेट्स के साथ अगर बन रहा है तो वहाँ से स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर आ जाएगा रहा दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं चीपिंग। ठीक, चीपिंग उसको बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट वाट कंसंट्रेशन सुक्रोज रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें दोस्तों क्या होता है 65% वेट बाई वेट, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉलिड टू फेज नोन एज सब्लिमेशन, सी वाला दोस्तों सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइल्यूएंट शुड बी एवॉइडेड विथ टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, इसमें दोस्तों DCPE हो जाएगा सही। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इवोल्यूशन ऑफ ग्लास व्हेन जब डिजॉल्विंग ए सबस्टेंस इन टू द वाटर नोन एज इफॉर्मेशन, इसको दोस्तों बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ ग्लास डिजॉल्विंग ए सबस्टेंस इन टू टू, ठीक है, उसमें दोस्तों इफॉर्मेशन टाइप का बनता है उसको ही बोलते हैं इफॉर्मेशन, ठीक, झाग टाइप का। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेप, ठीक है, इसमें दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव डालती है बाई द ऑल फॉलोइंग स्टेप एक्सेप्ट, इसमें से क्या है जो कि ऑक्सीडेशन पर दोस्तों प्रभाव डालता है, ठीक है, लेकिन इसमें से एक अपवाद है, वही क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोस्तों इसमें ये ए वाला दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस जो कि यही अपवाद है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कलेक्टेड ब्लड शुड बी स्टोरेड, जो ब्लड को कलेक्ट किया जाता है कौन से डिग्री पर स्टोर किया जाता है दोस्तों, 4 से 6 डिग्री सेल्सियस पर इसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, द फिल्टर दैट आर जनरली यूज इन द लेमिनार फ्लो इज नोन एज, दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो में हेपा फिल्टर उसको दोस्तों बोलते हैं, बी वाला सही हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज प्राइमरी टेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज ए प्राइमरी टेस्ट, देखो दोस्तों इसमें दोस्तों स्पाइसी हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर प्लाज्मा प्रोटीन इन्वॉल्व इन द ड्रग बाइंडिंग, ठीक है, मेजर प्लाज्मा प्रोटीन इन्वॉल्व इन द ड्रग बाइंडिंग में दोस्तों कौन सा आता है, वो होता है एल्ब्यूमिन, जो कि मेजर रोल प्रोड्यूस करता है फॉर द प्रोटीन बाइंडिंग में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट यूज चेक क्वालिटी एयर ऑफ लेमिनार फ्लो, ठीक है, लेमिनार फ्लो में किस दोस्तों स्मोक डाला जाता है उसको क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए, ठीक है, ये सही एक नहीं है। ठीक, स्मोक टेस्ट द्वारा उसको किया जाता है लेमिनार फ्लो। मोस्ट कॉमनली यूज सुपर क्रिटिकल फ्लूड, सुपर क्रिटिकल फ्लूड दोस्तों के रूप में कौन सा यूज किया जाता है, वो किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, चलते आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस यूज फॉर DNA प्योरीफिकेशन, ठीक है, इसमें दोस्तों काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन, ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल इन्वॉल्व फ्लूड एनर्जी मिल, फ्लूड एनर्जी मिल में दोस्तों कंबाइंड इम्पैक्ट एंड इंट्रूजन होता है, दोनों काम करता है। ठीक, बी वाला सही हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। द ऑल द फॉलोइंग आर टैबलेट हार्डनेस टेस्ट एक्सेप्ट, ठीक है, इसमें से सभी टैबलेट के हार्डनेस टेस्ट किया जाता है, लेकिन इसमें से एक नहीं है, वो है माइक्रोमीटर। ठीक है, बाकी सबसे हार्डनेस टेस्ट किया जाता है टैबलेट का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ फिल्म कोटेड टैबलेट दोस्तों कितना होता है, वो होता है 30 मिनट। ठीक, डिसइंटीग्रेटेड टाइप ऑफ फिल्म कोटेड टैबलेट 30 मिनट तक होता है। फेज वन मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व ऑल द फॉलोइंग स्टेप, ठीक है, इसमें फेज वन मेटाबॉलिज्म में क्या होता है दोस्तों, ये तीनों होता है हाइड्रोलिसिस रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ये तीनों होता है, लेकिन ये कॉन्जुगेशंस नहीं होता। इसमें अपवाद पूछा गया तो अपवाद ही हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं आगे बात करेंगे। फेज टू मेटाबॉलिज्म नॉर्मली इन्वॉल्व, ठीक, फेज टू मेटाबॉलिज्म दोस्तों कहाँ पर,
इन्वॉल्व होता है वो होता है कंजुगेशन में, ठीक, इसमें से ये नहीं होता तीनों। फिर चलते हैं आगे, फ्राइबिलिटी ऑफ टैबलेट कैन बी डिटरमाइंड बाई, जो फ्राइबिलिटी होता है टैबलेट की कैसे डिटरमाइन करते हैं दोस्तों, वो रोज फाइब्रिलेटर के द्वारा किया जाता है, ठीक। एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉर्फिन इज प्रिपेयर्ड बाई, दोस्तों वो कैसे किया जाता है, वो होता है मॉर्फिन का डाइजेशन के द्वारा इसको किया जाता है एक्सट्रैक्शन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अब यूज प्लास्टिसाइजर मैन्युफैक्चर ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, ठीक है, हार्ड जिलेशन कैप्सूल बनाते समय दोस्तों कौन सी प्लास्टिसाइजर का यूज़ किया जाता है, वो किया जाता है सॉर्बिटॉल का यूज़ किया जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन टॉक्साइड, ठीक है, टॉक्साइड मतलब ये टिटेनस, इसमें दोस्तों सही हो जाएगा, फॉलोइंग टॉक्साइड में टिटेनस, टीटी से याद रख सकते हैं। इन पैरेंटल इंजेक्शन लाल टेस्ट इज एन नोन एज प्रेजेंस ऑफ, लाल टेस्ट दोस्तों कहाँ किया जाता है, वो पायरोजन टेस्ट के लिए किया जाता है, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, इसमें ए वाला सही हो जाएगा। फिर चलते हैं आगे, बात करेंगे दोस्तों यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी दोस्तों क्या होती है, वो पोयस होती है, ठीक, सी वाला दोस्तों सही हो जाएगा। फिर चलते हैं, द रैंडम मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल और डिस्पर्स मीडियम इज नोन एज, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन, द रैंडम मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन डिस्पर्स मीडियम इज नोन एज ब्राउनियन मोशन, ठीक है। फ्लॉकुलेशन तो में दोस्तों तो इकट्ठा हो जाता है, जैसे अंगूर की तरह हो जाता है फ्लॉकुलेशन, इसीलिए बी वाला इसमें सही हो जाएगा, ठीक। फिर चलते हैं, द सबस्टेंस विच प्रिवेंट द पीकिंग स्टिकिंग ऑफ टैबलेट नोन एज सबस्टेंस प्रिवेंट, जो जैसे कि टैबलेट में दोस्तों कुछ चीज़ चिपक जाती है तो उसमें एंटी एडहेसिव एजेंट मिलाया जाता है जिससे वो चिपने ना, तो ये बी वाला इसमें सही हो जाएगा। फिर चलते हैं, सिनर्जिस्ट आर दोस्तों क्या होता है, वो सिट्रिक एसिड होते हैं, ठीक, बी वाला दोस्तों सही हो जाएगा। फिर चलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट टाइप ऑफ ए जिलेटिन, ठीक है, इसमें दोस्तों 7.4 हो जाएगा सही। चलिए फिर आगे बात करते हैं, सिरेमिक फिल्टर, सिरेमिक फिल्टर आर मेडअप, सिरेमिक फिल्टर दोस्तों एबेस्टोस फिल्टर केसल गुड़ के द्वारा दोस्तों बना होता है, ठीक, बी वाला इसमें सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं, एन आइडियल फ्लूड इज, आइडियल फ्लूड इज दोस्तों क्या है, कंप्रेसिव फ्लूड, विस्कस फ्लूड, नॉन विस्कस फ्लूड, ठीक है, इसमें दोस्तों आइडियल फ्लूड में ऑल ऑफ द एबव आपका सही हो जाएगा। चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, विच इज़ नॉट यूज फॉर अचीविंग अम्बर कलर ग्लास, ठीक है, इसमें दोस्तों कार्बन सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। फिर चलते हैं दोस्तों आगे, इनफ्राइबिलिटी टेस्ट द मैक्सिमम वेट लॉस नॉट बी मोर देन, इसमें दोस्तों 1% हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं, इन्फ्यूजन आर प्रिपेयर्ड बाई, इन्फ्यूजन दोस्तों कैसे बनता है, वो बनता है दोस्तों पार्कोलेशन के द्वारा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, ठीक है, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज इज ए एवी सेल, इसको दोस्तों एवी सेल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, बी वाला इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, द साइंस और स्टडी ऑफ फ्लो लिक्विड इज कॉल्ड एज, बी वाला दोस्तों सही हो जाएगा, थियोसोट्रॉफी, ठीक। फ्लॉकुलेटर सस्पेंशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो फ्लॉकुलेटर सस्पेंशन है उसका दोस्तों एग्जाम्पल क्या है, वो है दोस्तों प्लास्टिक फ्लो। चलिए आगे बढ़, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ पॉपुलर ग्रेडियंट्स दोस्तों क्या होता है, वो होता है टाल्क, बी वाला सही हो जाएगा। चलिए बात, मेंथॉल इज ए कमाली एम्प्लॉयड एज ए डाइल्यूएंट, मेंथॉल दोस्तों कमाली कहाँ पर यूज होता है, वो च्यूएबल टेबलेट में यूज होता है, ए वाला सही हो जाएगा। फिर से चलते हैं, नेचुरल प्रोटीन यूज एंड बाइंडर टेबलेट प्रिपेयर्स, जो नेचुरल प्रोटीन होता है दोस्तों, नेचुरल प्रोटीन यूज एंड बाइंडर इन द टेबलेट प्रिपरेशन इज, ठीक है, जो नेचुरल प्रोटीन होता है बाइंडर के रूप में यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट, तो इसमें कौन सा दोस्तों सही हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों ट्रेगाकेंथ, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं, हाफ लाइफ इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक, ये वाला दोस्तों आप लोग जानते होंगे, इसमें ये वाला सही हो जाएगा, 2K वाला, सी वाला, ठीक।
टैबलेट ब्रेक इंटू टू आर मोर देन लेयर्स कॉल्ड एज लेमिनेशंस, तो दोस्तों लेमिनेशंस बोलते हैं। ठीक, फिर चलते हैं पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप अथवा बॉटम, उसको क्या बोलते हैं टैबलेट को, उसको बोलते हैं कैपिंग। ठीक है, चलते हैं आगे दोस्तों, बात करेंगे द सॉलिबिलिटी ऑफ सबस्टेंस इज अफेक्टेड बाई, जो सॉलिबिलिटी होती है दोस्तों वो किसके द्वारा अफेक्ट किया जाता है, टेम्परेचर, पीएच, आयनिक इफेक्ट, वो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसमें, सभी के द्वारा सॉलिबिलिटी जो अफेक्ट होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल ऑफ आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म, इसमें ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, सभी से इनमें से सभी दोस्तों क्या है, आयुर्वेदा है, भस्मा, अश्व, ठीक है, अंजन, अर्क, ऑल ऑफ द एबव सही हो जाएगा। द प्लेट एंड फ्रेम प्रेजेंट इन द, दोस्तों कहाँ पर यूज होता है प्लेट एंड फ्रेम, कौन से फिल्टर में यूज होता है, वो फिल्टर प्रेस में यूज होता है। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ एब्स, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ एबेस्टोस, इसमें दोस्तों अमीनो सिलिकेट सी वाला दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं आगे बढ़ते हैं, द मेथड यूज फॉर मेजर द सर्फेस टेंशन, इसमें दोस्तों ऑल ऑफ द एबव सही हो जाएगा, सर्फेस टेंशन, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब मेथड, ड्रॉप वेट मेथड, टेंसियोमीटर, इसमें ऑल ऑफ द एबव सही हो जाएगा। चलिए फिर आगे बात करते हैं, द मील कंसिस्ट ऑफ थ्री रोलर, इसमें ट्रिपल रोल हो जाएगा दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, डी वाला सही हो जाएगा। फिर चलते हैं आगे दोस्तों, प्रोपेलर मिक्सर यूजुअली ऑपरेट एट हाई स्पीड ऑफ अप टू, प्रोपेलर मिक्सर कितने आरपीएम पर दोस्तों चलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, वो 800 आरपीएम पे, ठीक है, 8000 आरपीएम पे चलता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व साइक्लोन सेपरेशन, सेपरेटर सॉलिड फ्रॉम द फ्लूड, जो साइक्लोन सेपरेशन होता है दोस्तों कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, वो करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे, ठीक, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, द ग्रेड ऑफ वेरी पाउंड पाउडर इज कितना होता है, 120 जो रहेगा दोस्तों उसका एकदम वेरीफाइड पाउडर कहलाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, द मटेरियल यूज टू स्ट्रिप पैकेज, ठीक है, स्ट्रिप पैकेज में दोस्तों ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, स्ट्रिप पैकेज में कौन सा सही होता है, पॉलीथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन एंड पॉलीवाइलिन क्लोराइड, क्लोराइड, ये तीनों दोस्तों इसमें सही है, तो इसमें ऑल ऑफ द एबव सही हो जाएगा स्ट्रिप पैकेज के लिए। ठीक, फिर चलते हैं, लाइपोजोमर फास्फोलिपिड विच कैन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, लाइपोजोम एक फास्फोलिपिड है, कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों तरीके से किया जाता है, तो इसमें सी वाला दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक, ए एंड बी बोथ, इन साइक्लोन सेपरेशन द पाउडर इज डिपेंड ऑन्स, ठीक है, जो साइक्लोन सेपरेटर होता है वो पार्टिकल साइज और डेंसिटी दोनों पर निर्भर करता है, इसमें सी वाला दोस्तों सही हो जाएगा। फिर चलते हैं, नैनो पार्टिकल आर बेस्ड ऑन, नैनो पार्टिकल आर बेस्ड ऑन दोस्तों किस पे बेस्ड होता है, वो कोलाइडल ड्रग डिलीवरी सिस्टम पे नैनो पार्टिकल बेस्ड होता है, इसमें बी वाला सही हो जाएगा। चलते हैं फिर से, द प्रोड्रग क्लोरामफेनिकॉल यूज टू प्रिपरेशन ऑफ पीडियाट्रिक सस्पेंशन, ठीक है, इसमें दोस्तों क्लोरामफेनिकॉल पैल्मिनेट, ये दोस्तों सही हो जाएगा, बी वाला। ठीक, थोड़ा दोस्तों क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, द कंपाउंड विच अंडर गोज बायो ट्रांसफर्सन बिफोर शोविंग द डिजायर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी आर कॉल्ड एज, ठीक है, उसमें दोस्तों प्रोड्रग हो जाएगा सही। चलते हैं आगे, बी वाला सही हो जाएगा। एयर टाइट सील कंटेनर आर यूज फॉर, एयर टाइट सील कंटेनर दोस्तों इंजेक्टेबल जो प्रोडक्ट रहते हैं उसमें यूज किया जाता है, जिससे वो जो पायरोजेंस वगैरह जो होते हैं उसमें ना जा पाए दोस्तों, वो पूरी तरह से स्टराइल बना रहे हैं। टिटेनस एंटीटॉक्सिन यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ, ठीक है, टिटेनस एंटीटॉक्सिन यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दोस्तों, ये दोस्तों टिटेनस में यूज किया जाता है। ठीक, चूज द किल्ड वायरल वैक्सीन फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें दोस्तों ये वाला सही हो जाएगा, पोलीमिलाइटिस वैक्सीन, साल्क, एन एग्जाम्पल ऑफ किल्ड बैक्टीरिया वैक्सीन, दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबम, डी वाला सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों, एन आइडियल सेल कैप्सूल रिक्वायर फॉर फिलिंग अप 300 ग्राम, इसमें वन सही हो जाएगा दोस्तों, एस्पिरिन वाला, एस्पिरिन जो क्वेश्चन, एन आइडियल साइज कैप्सूल रिक्वायर फॉर फिलिंग 300 mg ऑफ एस्पिरिन, 300 mg ऑफ एस्पिरिन दोस्तों भरना है, तो ए प्लस वाला सही हो जाएगा, बी वाला। ठीक, मटेरियल यूज फॉर एंटेरिक कोटेड, ठीक है, एंटेरिक सेलुलोज एसिटेट से दोस्तों बना होता है एंटेरिक कोटेड टेबलेट, मतलब जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जाके रिलीज होता है, ठीक है, उस वो सेलुलोज एसिटेट से बना होता है। ठीक, चलते हैं, विच ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ शुगर कोटिंग, शुगर कोटिंग को दोस्तों क्या बोलते हैं, पॉलिशिंग बोलते हैं। ठीक, लास्ट स्टेज है पॉलिशिंग,
शुगर कोटेड टेबलेट आर पॉलिश्ड बाई, जो शुगर कोटेड होता है दोस्तों बीज वैक्स के द्वारा वो पॉलिश किया जाता है, ये वाला इसमें सही हो जाएगा। फिर चलते हैं दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द हार्डनेस ऑफ टेबलेट, ठीक है। इसमें दोस्तों मोनोस्टोफ, इसमें दोस्तों तीनों सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव वाला, ठीक है। मेजर किया जाता है टेबलेट के हार्डनेस को टेस्ट करने के लिए दोस्तों यूज किया जाता है ये सब इंस्ट्रूमेंट जो हैं। फिर चलते हैं, द प्रोसेस इन विच द वेपर प्रेशर फॉर्म थ्रू आउट द लिक्विड मेरली इन सरफेस, ठीक है। इसमें दोस्तों सरफेस जो भी चीज़ें वेपर करता है उसको बोलते हैं वेपोराइजेशंस, ये वाला इसमें सही हो जाएगा। फिर चलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इंप्लॉयड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में दोस्तों क्या होता है, एल्कोहल का प्रिपरेशन होता है, आप लोग जानते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलते हैं फिर से आगे दोस्तों, सिड्स फिल्सर कंपोज ऑफ, दोस्तों सिड्स फिल्सर जो होता है कंपोज ऑफ किससे बना होता है, वो बना होता है दोस्तों एबेस्टोस से, ठीक है। थर्मोलेबाइल पाउडर कैन बी स्टरलाइज बाई, थर्मोलेबाइल जो पाउडर होते हैं दोस्तों कहाँ पर स्टरलाइज किया जाता है, इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस फिल्टर आर मेड अप, दोस्तों किससे बना होता है, वो दोस्तों बना होता है सेलुलोज एसीटेट से, ये वाला सही हो जाएगा। फिर चलते हैं आगे दोस्तों, एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज बिलोंग टू टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, इसमें दोस्तों गामा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। इनर्ट गैस यूज फॉर प्रोपेलेंट इन एरोसॉल, ठीक है। इनर्ट गैस के रूप में जो यूज होता है जो प्रोपेलर प्रोपेलेंट होते हैं दोस्तों, एरोसॉल प्रोपेलर, उसमें दोस्तों नाइट्रोजन, ये वाला सही हो जाएगा। फिर चलते हैं, द मटेरियल यूज द फिल्म कोटिंग, फिल्म कोटिंग में दोस्तों कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, वो होता है इथाइल सेलुलोज, ठीक है, इथाइल सेलुलोज को यूज किया जाता है फिल्म कोटिंग में, ठीक, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन दोस्तों यही था, वीडियो ज़्यादा लंबा बन चुका है, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए दोस्तों वीडियो को, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 से 3 दिन बचा है, तो आधे घंटा की वीडियो दोस्तों ये है, ठीक है, आधे घंटे का वीडियो था दोस्तों। क्वेश्चन आपको एक बार नहीं दो बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत ही जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ाया गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।